एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद दिव्यांगना में। सो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे केवीएस के एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम सारा का सारा पूरा एक एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से आपका पेपर आ रहा है, कहां से आपको मेनली फोकस करना है, किस चीज पे आपको लास्ट मोमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न कैसा आ रहा है, क्या चीज नहीं आ रही, क्या चीज ज्यादा आ रही है, तो सारी चीजों के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब जो आप लोगों के टीजीटी के एग्जाम्स चल रहे हैं, इसके बाद आपका पीजीटी स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका पीआरटी आएगा। तो पीआरटी वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी जो भी कुछ दिन बचे हैं, थोड़ा बहुत टाइम उनके पास अभी भी है, तो आप लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहली चीज आती है आपका जो एग्जाम का जो लेवल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। वो आपका इजी टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा टफ बिल्कुल भी आपका पेपर नहीं आ रहा, इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉडरेट मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये, इसलिए बहुत ज्यादा टफ चीजों के पीछे आप लोग मत भागिए कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ऐसा आपको नहीं करना है। अब सबसे बड़ी जो मेन बात आती है वो ये है कि अगर आप लोगों ने एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटीज पे स्टक हैं, तो आप लोग इजीली अपना केवीएस का पेपर क्रैक कर लेंगे। एनसीईआरटी से बाहर, मैंने आपको पहले भी वीडियोस बना के बोला था कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा, एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से घोट के पी ली, ठीक है, तो आपका काम हो जाना है, ठीक है। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चंस मेनली आ रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे। अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ तो सबसे पहले समझ लो, मान लीजिए आपके पास ये पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस में ही जो भी कुछ उस सिलेबस में दिया हुआ है वही सब कुछ आपको पढ़ना है, उससे बाहर कोई टॉपिक अभी आप फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। और लास्ट मोमेंट पे तो बिल्कुल भी मत पढ़ो, जो टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिए हुए हैं, चाहे वो हिंदी में आपको दिया हुआ है कि ये विलोम शब्द पर्यायवाची, ये वो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर जिसके पास एनसीईआरटीज हैं वो एक बार एनसीईआरटी से अपना सारा रिविजन करेंगे। इसके अलावा जिनके पास कोई भी अदर बुक्स हैं, ठीक है, जो अदर रिसोर्सेज होते हैं, जिसको हम ऑथेंटिक बुक्स बोलते हैं, कोई अलग बुक्स जो होती है, उनको आप लोग कोई भी बुक है उसको एक बार आप लोग अपना पूरा बस रिवाइज कर लो, ठीक है, और एक बार अच्छे से ना रीडिंग कर लो। जिसको ये लग रहा है ना कि यार मेरे को संधि पूरी आती है ना, मेरे को ये चीज पूरी आती है, तो वो इस भुलाए में अभी मत रहना, क्योंकि एक बार रिविजन करना बहुत जरूरी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये तो मुझे सारा आता है मैं कर लूंगी, ठीक है, बट जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं कि इस वाले पार्ट में कौन सा टाइप है, ठीक है, या फिर ये कौन से, ये जो संधि है ये कौन से प्रकार है उसका, तो हम भूल जाते हैं। इसलिए एक बार उसको रीड आउट करना, रीडिंग करना बहुत जरूरी है, पहली चीज। अब जैसे आपके जो हिंदी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल सिंपल से, सिर्फ विलोम शब्द आ रहे हैं, ठीक है, पर्यायवाची आ रहे हैं हिंदी में, हिंदी में आप लोगों का गद्यांश वगैरह भी अभी तक आया है, तो काफी इजी इजी चीजें हैं। आप लोग अगर आप लोगों ने थोड़ा भी एक बार पढ़ा है ना चीजों को, आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ तो इंग्लिश में जैसे आपके एंटोनियम्स सिनोनियम्स हो गए, ठीक है, स्पॉटिंग द एरर्स हो गए आप लोगों के, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो हैं। और अगर आप सोचो ना कि किस लेवल क्या है, तो इजी इजी लेवल्स है, आसानी से आप लोग कर लोगे, और यही इजी लेवल कॉम्पिटिशन बढ़ा देने वाला है, ठीक है, कट ऑफ वगैरह आपको आप समझ जाना। चलिए इसके बाद जैसे आपके रीजनिंग की बात करती हूँ, तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं वो जैसे मान लीजिए आपका जो ब्लड रिलेशन है वहां से क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, ठीक है, वेन डायग्राम उससे देखा जा रहा है, सिलोगिज्म जो होता है वहां से, आप लोगों के जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, आपको जो कैलेंडर वाले क्वेश्चंस हैं वो एक बार आपको करना है, तो इस तरह से आपकी रीजनिंग से आ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ करंट अफेयर्स की, तो देखो करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा लेटेस्ट तो एकदम से सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ना, कि अगर हम बोले कि हाँ करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा करंट आ रहे हैं, तो ऐसा भी इन्होंने नहीं दिया है। अभी तक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि जो आपका करंट अफेयर्स है उसमें, क्योंकि जीके भी आप लोगों की एड है, ठीक है, जीके प्लस करंट अफेयर्स, तो जो स्टैटिक जीके होती है वो काफी, मतलब उसके काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जो बहुत जनरल क्वेश्चंस नहीं होते, जनरल अवेयरनेस वाले, वो वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के भी हैं, है ना, तो उसमें तो फिर आपको वही चीज है, उसमें तो आप लोग, मैंने आपको बोला था कोई भी एक बुक ले लो जो आपकी जीके से आती है, लुसेंट वगैरह की आती है, तो उसमें क्या होता है ना, आपको पूरा स्टैटिक पार्ट मिल जाता है, तो ये वाला पोर्शन आपका इस तरीके से है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े इजी इजी से हैं। अगर आप सोचो कि बहुत ज्यादा डीप लेवल का स्टैटिक है, तो ऐसा नहीं है, जो बहुत एकदम जनरल नॉलेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह का पार्ट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया, यस, इसके बाद पैडागॉजी में, पैडागॉजी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, फैक्चुअल थोड़ा सा अभी तक कम पाया गया है। और इसमें जैसे आपका FLN है, ठीक है, RTE है, आपका आपका RTE हो गया, FLN हो गया, आपका करिकुलम हो गया, आपका जो लीडरशिप वाला टॉपिक है वहां से क्वेश्चंस हैं, है ना। और इसके बाद और भी कुछ काफी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका NEP है, ठीक है, NEP से आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, NEP, FLN, RTE, ये सब तो अच्छे से घोट लेना, करिकुलम वाला टॉपिक घोट लेना।
एक आया है कि जैसे डिसेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो ये आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा क्या बचता है आप लोगों का, तो अभी तक का जो एनालिसिस लाइक जो पता चल रहा है वो ये सारी चीजें हैं। और अगेन मैं बोल रही हूँ, इसमें कंक्लूजन यही निकल के आता है कि एनसीईआरटी से बाहर आपको नहीं जाना, आपके जो आपको सिलेबस मिला है उससे बाहर आपको नहीं जाना। जो जो टॉपिक्स आपको आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, एग्जैक्ट बस लास्ट मोमेंट पे आप लोग यही करेंगे, सारा एक बार अपने सामने सिलेबस रखो, एक एक टॉपिक को उठाओ कि ठीक है व्लोम, एक बार जल्दी से उसको पूरा रीड आउट कर लो, अच्छा पर्यायवाची अच्छे से उसको एक बार पढ़ लिया, जो भी पैडागॉजी में टॉपिक्स हैं, अच्छा ठीक है ये है, मान लीजिए सपोज करो ये आपका टॉपिक है लीडरशिप, ठीक है आपने उठाया पूरा वो यूनिट उठाई, एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया कि लीडरशिप में क्या होता है, रोल क्या होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर आई हैं, इस तरीके से आपको सारा सारा एक बार बस अच्छे से उसको एक बार रिवाइज कर लो, एक बार उसको पढ़ लो, तो आसानी से आप लोग कर दोगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखो, असर्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कंक्लूजन स्टेटमेंट दे दिया जाता है, वो वाले क्वेश्चंस काफी देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना। इस बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ना देके दो ऐसे आपको पूरे सेंटेंसेस दे देते हैं, फिर आपको बताना है कि बताओ कौन सा वाला इसमें सही है ना, किसका रीजन कौन सा सही है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं इस बार। तो ये वाले क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, इसका सिंपल सा रीजन देखो एक यही होता है कि अगर आपका किसी भी चीज को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से उसको कर देते हो, ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, समझना जरूरी है, आसानी से आप लोग कर दोगे। तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी घबराओ मत, पेपर आपका इजी आ रहा है, इजी टू मॉडरेट है, ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगी बहुत इजी, क्योंकि देखो जो पढ़ेगा उसके लिए तो पेपर इजी लगेगा, है ना, कोई भी इंसान हो चाहे वो, जो पढ़ के जाएगा उसको टफ पेपर भी इजी लगेगा और जो नहीं पढ़ के जाएगा उसको इजी पेपर भी टफ लगेगा। तो ये तो एक मतलब इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि किसी को पेपर का लेवल कैसा लगता है, किसी को कैसा लगता है, बट स्टिल अच्छा पेपर आ रहा है। और बस यही है कि एनसीईआरटी को आपको स्टक रहना है, सो लास्ट में मैं बस यही बोलूंगी कि जय एनसीईआरटी बस, ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।